वहीं प्रदेश में 11 दिसंबर के तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालत का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर पीठ सहित राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से लोक अदालतों का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर में प्री लिटिगेशन के मुकदमे और न्यायालयों में लंबित 2,71,505 मुकदमे चिन्हित किए गए हैं। लोक अदालत में चेक अनादरण, धन वसूली, पारिवारिक बिजली पानी सहित अन्य बिल भुगतान संबंधी मामलों को शामिल किया गया है। जी, मैं ये बताना चाहूँगा, इस बार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार ये तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है, राजस्थान में भी, संपूर्ण प्रदेश में, प्रत्येक न्यायालय में और प्रत्येक अधिकरण में इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बार हम अब तक 2,71,505 ऐसे मामलों को चिन्हित कर चुके हैं और लोक अदालत के लिए रेफर कर चुके हैं जिनमें दोनों पक्षकार राजीनामा के लिए सहमत हैं और हमको उम्मीद है कि उनमें राजीनामे के प्रयास किए जाएं तो आपसी समझौते से उनका निस्तारण हो सकता है। पिछली बार कुछ कैटेगरीज हमने नहीं रखी थी, जो इस बार हमने नया प्रयास किया है। कुछ हमने विशेष मामले इस बार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे हैं जिनमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 लाख रुपये तक के बैंक के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो अपने बोरोवर्स के साथ डिस्प्यूट है वो हमने पूरी कोर्ट्स में, इंक्लूडिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट जयपुर जोधपुर,